आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड आर हाउ दे आर क्लासिफाइड एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। नेक्स्ट बोला गया नेम द टाइप्स ऑफ बेसेस प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। तो देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ये देखते हैं हम। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ये हमारे बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो अब ये क्या करते हैं, ये मतलब किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे लिविंग सेल्स में, मतलब सभी लिविंग सेल्स में। ठीक है, तो प्रेजेंट इन इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट सिंथेसिस करते हैं किसका, प्रोटीन्स का। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर करने के लिए जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनको। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये जो होते हैं ये हमारे डायरेक्ट सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिंथेसिस, ओके, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड रिस्पॉन्सिबल आर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्फो लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ हमारी हेरिडिटी जो होती है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। और जो देखो जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है न्यूक्लिक एसिड की, ये जो होती है ये हमारी कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो इसकी रिपीटिंग यूनिट्स होती है, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉल्ड, क्या कहलाती है ये हमारी कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। अब देखो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं आर देयरफॉर आल्सो, इनको जो होते हैं मतलब ये जो है हमारे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहलाते हैं एंड आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो चलो ये बात तो इतनी खत्म होगी। अब नेक्स्ट हमने बोला गया हाउ आर दे क्लासिफाइड। ठीक है, ये कैसे क्लासिफाइड है। ठीक है, तो देखो ये जो होते हैं दो टाइप के हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए होता है और आरएनए होता है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा आरएनए। ठीक है, यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब हमसे बोला गया व्हाट आर देयर फंक्शंस, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो अब हम अगर इनके देखें यहां पर लिखते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो देखो इनके फंक्शंस होते हैं, जो हमारा डीएनए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट के लिए। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टी जो होती है रेप्लिकेशन की ड्यूरिंग सेल डिविजन। ठीक है, तो उसके कारण होता है। और यहाँ पर क्या होता है, टू आइडेंटिकल डीएनए जो होते हैं स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर्ड हो जाते हैं उनके डॉटर सेल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर पूरा लिख लेते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी इफेक्ट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? दिस इज ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिविजन, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात में। नेक्स्ट आता है हमारा जो डीएनए और आरएनए होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो प्रोटीन सिंथेसिस नीडेड होता है हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज होता है, और जो मेंटेनेंस चाहिए होता है हमारी बॉडी के लिए उसके लिए, ठीक है। तो जो एक्चुअल में जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं वेरियस आरएनए को, वेरियस आरएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, जैसे कि हुआ हमारा एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए एंड आरएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, नीडेड फॉर ग्रोथ, नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, एन ए एन सी, मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। और एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली द प्रोटीन्स आर, द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनएज, बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हुआ हमारा एमआरएनए, ठीक है, टीआरएनए, या फिर गामा, या फिर वाईआरएनए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो फिर यही पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में कि क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में पूछा गया है कि नेम द टाइप्स ऑफ बेसिस प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियोटाइड, तो ये भी देख लेते। तो देखो, जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए में जो जो होते हैं, ये होता है हमारा एडेनाइन साइटोसिन, ये होता है हमारा एडेनाइन साइटोसिन, ठीक है, गुआनिन, और उसके अलावा थाइमिन होता है, ठीक है। और ये किस तरह से रहते हैं, एडेनिन जो रहता है हमारा, इसके साथ आता है हमारा थाइमिन, और साइटोसिन के साथ आता है हमारा गुआनिन, ठीक है। जबकि आरएनए में क्या होता है, ये तीनों तो सेम रहते हैं, थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल आ जाएगा बस इसमें, बाकी सारे सेम रहते हैं, मतलब थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। और बाकी एडेनिन जो होगा, यानी कि ए लिख देती हूँ उसकी जगह, एडेनिन साइटोसिन सी जो है ये लिख देती हूँ साइटोसिन की जगह, और ग्वानिन की जगह जी, ठीक है। तो बाकी वही रहते हैं, बाकी यूरेसिल की जगह, मतलब थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन जो भी पूछा गया था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।